स्टूडेंट्स नो वी आर मूविंग स्टेप बाई स्टेप टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एरियाज जहाँ पे आप अपने हाथ से इसको पाइथन को डाउनलोड भी करेंगे इंस्टॉल भी करेंगे और फिर आप उसमें प्रोग्राम भी लिखेंगे तो इसमें अब जो आ, आ, कुछ स्क्रीन जो है जो फॉलोइंग उनमें मैं बेसिकली स्क्रीन शॉट्स हैं कि आपने किस तरह से इंटरनेट पे जाके पाइथन डॉट ओ आर जाना है कहाँ से आपने लोड करना है किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है ये पांच छह सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं एंड आई इनक्रेज यू कि आप प्लीज़ ये आपके पास घर पे ऑफिस में जहाँ पे भी अगर आपके पास कोई भी सिस्टम अवेलेबल है और ये जो कोड है इसका या ये अगर आप विंडोज़ की इन्वामेंट में करेंगे तो बिल्कुल एफर्टलेस है ये अगर आप यूनिक्स या लिनिक्स पर करना चाहें तो फिर आपको कुछ और इस पर एफर्ट करनी पड़ेगी कि उसके जो कुछ और कंपोनेंट्स हैं वो भी आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं बट विद दिस एजम्पन के मोस्टली स्टूडेंट्स के पास या फैकल्टीज़ के पास क्योंकि विंडोज़ इन्वायरमेंट अवेलेबल होती है तो हम विंडोज़ को ही इसमें अपना बेस बना के आपको ये इसकी जो है वो जो बेसिक एक ओरिएंटेशन है दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू तो बेसिकली आप करेंगे ये कि इसमें आप उसको डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उसको ओपन करेंगे कि किस तरह से आप उसमें जा सकते हैं ये जो तीन स्टेप्स हैं ये मैं आपसे शेयर करूँगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू गॉयज़ तो ये देखिए बेसिकली ये एक्चुअल उसका वेब पेज है पाइथन डॉट ओ आर जी आपने करना क्या इट्स वेरी सिंपल आप अपना वेब ब्राउज़र खोलिए और उस पर जाके ये टाइप कीजिए डब्ल्यू 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 डॉट पाइथन डॉट ओ आर जी और ये आपके सामने आ जाएगी जो आपकी जो नीचे उसका पूरा वेब पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर इसके अंदर जो सारी चीज़ें जो कुछ मैंने आपको ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ मॉड्यूल डिस्कस की हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और जो ये देखिए ये डाउनलोड्स डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिटी सक्सेस स्टोरीज न्यूज़ इवेंट्स ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम की आप डेली बेसिस पे एक दो घंटे एक दो घंटे भी आप इस पर लगाएंगे तो विद इन कपल ऑफ वीक्स आपका जो लर्निंग कर्व है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट पाइथन दैट यू विल फील अ चेंज इन योर और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है दैट विल बी टोटली यू विल be अ डिफरेंट पर्सन आई कैन एश्योर यू that लेकिन शर्त इसकी कीजिए कि यह आपने अपने हाथ से करना है इसको पढ़ के नहीं बैठ जाना बल्कि आपने बाकायदा जाना है और इसको टाइप करें और ये स्क्रीन आपके सामने आएगी तो फिर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ओहो वट इज़ योर फीलिंग अच्छा उसके बाद फिर अब आपने ये देखना है कि आपने कौन सा जो है वो अगर मैं इस पर जो है हमारे पास डाउनलोड में गए हम फिर हमने ये देखा कि हमारे पास पायथन की रिलीज़ रिलीज़ release ये होती है कि आज एक प्रोग्राम का एक लेवल है और उस पर काम किया उसको इम्प्रूव किया उसके अंदर कोई नए फीचर ऐड किए फिर नए फीचर ऐड किए तो ये जो पायथन डॉट ओ आर जी है ये डिफरेंट रिलीज़ को रिलीज़ करता है शेयर करता है सबके साथ के जी अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसमें हमारे पास इस वक्त ये जो रिलीज़ थ्री पॉइंट वन जीरो टू है और ये टू पॉइंट सेवन है सो वी डू नॉट नीड टू गो टू टू पॉइंट सेवन एक ये इसमें एक होता है कि जो पुरानी रिलीज़ होती है दैट इज़ मोर स्टेबल उसके अंदर कोई किसी बग का किसी एरर का चांस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू रिलीज़ लेकिन बहरहाल नई रिलीज़ पे काम करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ एन ऑन गोइंग एफर्ट इट्स अ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट रोड मैप इसमें कभी भी कोई चीज़ रुकती नहीं है पिछले पंद्रह बीस साल में जो पाइथन की हिस्ट्री है आप देखेंगे कि इसमें जो है ना चीज़ें कैसे कैसे वक्त के साथ मेचोर हुई हैं और उनसे क्या रिजल्ट आए हैं तो अब हम ये कह रहे हैं कि जी ये स्टेबल रिलीज़ में ये लिखा हो कि ये स्टेबल रिलीज़ है तो दिस इज़ वट वी आर गोइंग टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हो इट्स तो और ये इतना यूज़र फ्रेंडली है हर चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं आप बस सुकून से इनको पढ़ें कोशिश करें कि जितनी इंफॉर्मेशन इस विंडो पे अवेलेबल है यहाँ जो पिछली विंडोज़ हमने देखी हैं वेब पेजेस हमने देखे हैं उनको ज़रा सुकून से पढ़ें डोंट जम्प इंटू एनी थिंग क्योंकि वो कोई गलत क्लिक भी आप कर सकते हैं इसमें कोई आपके नंबर तो नहीं कटेंगे गलत क्लिक करने पे बट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाय क्लिकिंग द राइट यू नो जो आइकॉन है या जो लिंक है बस ये मेक श्योर sure करें कि जस्ट कीप योर कूल और उनको ध्यान से पढ़ें आराम से पढ़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करें हर ये जो तीन चार पाँच पेज में आपसे वेब पेजेस शेयर कर रहा हूँ और फिर स्टेप बाई स्टेप आगे चलें आप यू कैन गो बैक एंड फोर्थ देर इज़ नो इशू विद दैट राइट तब तो हमने क्या किया कि ये जो लेटेस्ट रिलीज़ थी इसको हम कर रहे हैं और फिर इसमें ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके साथ भी जा सकते हैं ये देखिए ये 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 जो स्पेशली ये लेनक्स यूनिक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बट कोर्स एज ए सैट के उनके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ती है या मे बी आपके पास मोस्टली अब मैकबुक नहीं होगी आपके पास Unix, uh, Unix या जीनिक्स यूनिक्स या लिनिक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए फिर आपको तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट एक्ष्ट करनी पड़ती है बट हेर यू डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट विंडोज ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे इंस्टॉल होती हैं एंड यू कैन स्टेट अवे स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग दिस अब जब आपने इसको इंस्टॉल किया तो इसमें देखिए अब आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉल नो आपने इसको क्लिक करना है वो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपने ये नहीं सिलेक्ट करना मे बी कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी आपको एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर आपको नहीं पता कि कस्टमाइजेशन में मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं क्या इसमें से कस्टमाइजेशन में बेसिकली ये होता है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो आप उसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ छोड़ देते हैं बट यहाँ पे यू गो इट एज स्टैंडर्ड और ये जो नीचे दो टिक बॉक्स हैं इनको आपने दोनों को टिक करना है ठीक है इस ये रिकमेंडेड और ये नीचे जो है ये जो एक तो है कि ये रिकमेंडेड लिखा हुआ है सो इट गोज़ विदाउट सेइंग लेकिन आपने इसको भी क्लिक करना है ताकि इसकी वजह यह कि अगर आपके इसमें मल्टीपल वर्जन वगैरह इंस्टॉल होंगे पाइथन के या कुछ और चीज़ें तो इट विल हेल्प योर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली नो कि जो आपका पाइथन 3.10 पॉइंट वो किस डायरेक्टरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है विद इन योर सिस्टम तो इसलिए ये दो ये आप इसको पर एक चीज़ ये भी है कि जस्ट फॉलो इट एज़ इट इज़ एज आई एम सजेस्टिंग ऐसे ही फॉलो करें और फिर बाद में यू कैन यू नो स्टार्ट प्लेइंग अराउंड तो इससे फिर आपकी जो इंस्टॉलेशन वो शुरू हो जाएगी और जब आपकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गई यू विल गेट दिस मैसेज सेटअप बहुत सक्सेसफुल एंड आई एम श्योर कि आप बड़ा जब आपको ये नज़र आएगा ना तो आप बहुत खुश होंगे कि हाँ मैंने ये जो प्रैक्टिकल ये देखे अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हमने की हमने देखी वो दैट वॉज मोर ऑफ थ्रेटिकल यहाँ कहीं कहीं मैंने कोडिंग के स्क्रीन शॉट शेयर किए थे टू डिवेलप योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स लेकिन यहाँ पे आप अपने हाथ से कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है एडवाइस भी है सजेशन भी है कि प्लू इनको बाई हैंड करें देर इज़ नो सबस्टिट्यूट ऑफ डूइंग इट बाई हैंड पढ़ने से या देखने से ये कभी भी आप नहीं सीख सकेंगे एंड स्पेशली अब आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है यू आर ऑन योर रोड टू यू नो यू आर डिफरेंट करियर पाथ तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को जो है वो अपने हाथ से करें जब आपने ये कर लिया तो अब अब उसके बाद आप अपना जो ना वो जो विंडोज़ में नीचे जाके अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको उसमें ये चीज़ें नज़र आएंगी ये नॉर्मल है जब आपकी जो अपना लेफ़्ट पेन होता है आपका इसका विंडोज़ का या नीचे जो विंडोज़ का वो बॉक्स बना होता है आपके ये जो विंडोज़ टेन में या किसी में भी उसको जाके क्लिक करेंगे तो पूरा एक पेन खुल जाता है आपके लेफ़्ट साइड पर तो उसमें यू विल फाइंड दिस कि जी आपने पाइथन ये वाला इंस्टॉल किया है आपकी जो डेवलपमेंट एंड लर्निंग लर्निंग एन्वायरमेंट ये है आपके मैनुअल्स ये हैं और ये ये सारी बेसिकली ये चार कंपोनेंट आपके इंस्टॉल हो गए ये आपके इंस्टॉल हो गए तो उसके बाद फिर अब आप आपने क्या करना है कि अब आप आपने इसको कमांड प्रांड पे जाके जब करेंगे तो फिर आपके पास ये ये वाली स्क्रीन जो है फिर आएगी ठीक है तो यहाँ पे आप फिर अपना पहला प्रोग्राम यू कैन राइट यूर फर्स्ट स्क्रिप्ट हेर या फर्स्ट प्रोग्राम है इसके भी टोरियल अवेलेबल हैं अब इसमें जस्ट टू यू नो क्लोज दिस इंट्रोडक्ट्री सेशन टू द पाइथन अब ये देखिए इसमें आपके पास है जो फाइल आपने जो अपनी पुरानी फाइलें सेव की हैं वो आप यह नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं पुरानी फाइल सेव कर सकते हैं आप उनको नेक्स्ट एडिट है आप उसको फाइल को खोल कर एडिट कर सकते हैं शेल कुमांड इज़ अगेन अनदर वे ऑफ राइटिंग योर कोड ये भी आप सीखेंगे विद इन योर यू नो नेक्स्ट इन एनी ऑफ योर प्रैक्टिकल ये जो जिसमें पाइथन या शेल स्क्रिप्ट लिखना है या इसकी शेल की कमांड ये एक बड़ी यूजफुल चीज़ है एंड वी कैन यूज़ इट एट इन वेरियस सिचुएशंस राइट नॉट ओनली इन डेटा साइंस आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं फिर आपके पास जो ऑप्शन विंडोज़ और हेल्प ये सारे आपके पास जो ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर और आप इनको फिर यूज़ कर सकते हैं एंड देट इज़ हो यू विल बी राइटिंग योर फर्स्ट कोड आप यहाँ पे जाके अपना वो जैसे मैंने हेलो का बताया आपको आपको प्रिंट का बताया ये बिल्कुल बेसिक है और जब आप ये स्टेप अचीव कर लेते हैं प्रैक्टिकली बाय हैंड तो आपको वो वाले जो कोड है वो लिखना बहुत ही आसान होगा दैट विल गिव यू इतना आपको खुशी होगी कि मे बी आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू थैंक यू